आज की वीडियो में हम जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी देखने वाले हैं। अमिताभ बच्चन संग पहली नजर में ही हो गया था जया भादुड़ी को प्यार। जया बच्चन ने अमिताभ के साथ में फिल्म करी और दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की तो हर जगह चर्चा होती रहती है, मुद्दा कोई भी हो बच्चन साहब का कनेक्शन निकल ही जाता है। लेकिन जब एक्टर ने सफलता की वो बेहतरीन सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी तब उनका साथ दिया था जया भादुड़ी ने। अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी और राजनीतिक गलियारों में अपने बयान और खबरों में चर्चा में रहने वाली जया बच्चन हर मौके पर महानायक का साथ दिया है। मुश्किल समय में सहारा बनी तो खुशी में झूम उठी। जया की वजह से ही अमिताभ ने अपनी जिंदगी के कई मुश्किल दौर को आसानी से गुजारे है। बताया जाता है कि बॉलीवुड को अपना महानायक जया बच्चन की वजह से ही मिल पाया। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती करियर में 12 फ्लॉप फिल्में देने के बाद में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे। वे मुंबई वापस जा रहे थे लेकिन तब उन्हें जंजीर फिल्म में साइन किया गया और उनके अपोजिट जया बच्चन को लिया गया। यह वो समय था जब अमिताभ के साथ में कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। वजह सिंपल थी, एक्टर कुछ खास फिल्में नहीं दे रहे थे। बताया जाता है कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफी प्यार था, पसंद भी करने लगे थे। ऐसे में मुलाकात के सिलसिले शुरू हुए। पहले एक बार, फिर दो बार, फिर लगातार मिलते रहे। इन मुलाकातों ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया, उन्हें प्यार हो गया। उसके बाद में जंजीर फिल्म भी इतनी सफल हो गई कि अमिताभ बच्चन और जया दोनों भी लंदन जाकर जश्न मनाना चाहते थे। खूब तैयारी की जा रही थी लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता ने साफ मना कर दिया, विदेश जाना है तो पहले शादी करो फिर चले जाना। बस पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से 1973 में शादी की और उसके बाद में दोनों का रिश्ता काफी मजबूत हो गया। उनका ये मजबूत रिश्ता जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, शोले और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में और निखरता सामने आता रहा। इनकी जोड़ी ऑल टाइम फेवरेट बन गई। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।